हेलो दोस्तों, मैं हूं तुलेश कुमार साहू और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूं सिंपल तोसी चारा डिज़ाइन पार्ट वन। मैं कोशिश करता हूं कि आप तक सिंपल से सिंपल तोसी चारा या फिर डिज़ाइन से डिज़ाइन वाला तोसी चारा आप तक मैं पहुंचा सकूं, इसलिए आज फिर आपके लिए सिंपल वाला लाया हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कहा कि अभी सिंपल वाला हमें बनाना है ऐसा करके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप जहाँ पर भी तोसी चारा बनाएं, अगर वो जगह ख़राब है तो थोड़ा सा वहाँ पर पेस्ट करके उस जगह को बराबर कर दें। उसके बाद फिर उसके ऊपर मसाला डालेंगे, उसके बाद ईंट को बिछाएंगे। इसका नीचे का जुड़ाई मैंने लिया है 26 इंच बाई 22 इंच, 26 इंच इसका लंबाई है दोस्तों और 22 इंच चौड़ाई है। ये चौड़ाई 22 इंच इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे हम दीवार पर सटा के बना रहे हैं, इसलिए हमारा एक हिस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है दोस्तों। बराबर से नाप ले लेने के बाद अंदर में सभी ईंट को भर देंगे, चाहे तो आप यहाँ पर टुकड़ा ईंट भी लगा सकते हैं अंदर के हिस्से में। उसके बाद पट्टी से बराबर देख लेंगे सभी तरफ को। उसके बाद इसमें मसाला डाल के इसे पानी से घोल देंगे दोस्तों। उसके बाद मैंने इसके ऊपर का जुड़ाई लिया है 22 इंच बाई 20 इंच का। इसके बाद फिर मैंने इसके बीच का जुड़ाई लिया है 18 इंच बाई 18 इंच का, क्योंकि यहाँ पर बोले थे कि हमें थोड़ा सा छोटा ही बनाया तोसी चारा, इसलिए हम ईटा को पूरे चिपका के दे दिए हैं। तो फिर 18 इंच बाई 18 इंच का आ गया है और अंदर में थोड़ा ईटा तोड़ना भी पड़ गया हमारे को, क्योंकि 18 इंच का देने के लिए थोड़ा परेशानी हो रहा था दोस्तों। हमारा ईंट 9 इंच का आता है तो इसमें चिपका के देते हैं तो ये 18 इंच का आता है, थोड़ा सा गेप देते हैं तो फिर 19 इंच का जुड़ाई आ जाता है दोस्तों। कई दोस्त लोग बोलते हैं कि आपने तोसी चारा में कितना ईंट लगाया है बताइए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर सिंपल आ तोसी चारा से बनाना चाहते हैं उसमें आपको 100 ईंट लगेगा और इसमें रेत लगेगा 12 टप, इस ये जो सामने टप है उसी में, और सीमेंट लगेगा 1 बोरी का। जब भी आप जुड़ाई करें तो कोने कोने को ऐसे दुगोली देख लीजिए दोस्तों, इसको कई लोग साहुल भी बोलते हैं, साहुल हमें चेक कर लेना चाहिए। 18 इंच का एक लेयर जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर सामने का जगह इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम यहाँ पर दिया रखने के लिए कुछ स्पेस देंगे, जिसे हम छत्तीसगढ़ में फूला कहते हैं, वहाँ पर हम दिया रखते हैं, इसलिए वहाँ के सामने में थोड़ा जगह छोड़ दिया है। यहाँ पर ईंट को रखने के लिए पहले इसे तोड़ लेंगे और थोड़ा सा स्लोप कर लेंगे उस ईंट को, उसके बाद थोड़ा सा करनी से भी इसको छील लेंगे और इस ईंट को थोड़ा सा पौना बनाएंगे हम तोड़कर, इसका छोटा हिस्सा
बाहर से भी तोड़ लेंगे। उसके बाद दो ईंट को वहाँ पर लगा देंगे तो ये फूला के लिए जगह बन जाएगा दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, अगर आपको कोई भी परेशानी होता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम फूला के अंदर हिस्से में सीमेंट का चटनी बनाकर, सीमेंट का पेस्ट बनाकर लगा देंगे। इसके बाद इस टाइल्स को भी वहां पर हम चिपका देंगे दोस्तों। आपके पास टाइल्स नहीं होगा तो आप फर्श का टुकड़ा भी चिपका सकते हैं, जिससे कि जब मिट्टी वहां पर अंदर में हम डालेंगे तो मिट्टी बाहर ना आ सके। आपको एक बार मैं पास से दिखा देता हूँ कि टाइल्स हमने कैसे चिपकाया है, आपको ये दिखा देता हूँ उसको। ये हमने टाइल्स यहाँ पर पीछे में चिपका दिया है सीमेंट का पेस्ट बनाकर। उसके बाद फिर इसके अंदर हम टुकड़ा ईंट भी डाल देंगे, जिससे कि जब हमारा ऊपर से पानी आएगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा ना पड़े दूसरी चारा पर। उसके बाद इसके ऊपर कोपला निकालने के लिए पहले दो ईंट को ऐसे तार से बांध लेंगे, जिससे कि हमारा कोपला अच्छे से निकल जाए दोस्तों। अब हम कोने में पहले मसाला डाल लेंगे, उसके बाद जो ईंट तार से बांधे उसको कोने में ऐसे रखेंगे। मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ 2 इंच ही निकाला है दोस्तों, आप अपने हिसाब से 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ऐसे फिर इस कोने का ईंट भी यहाँ पर लगा देंगे। ये कोने का ईंट हम पहले लगते हैं, जिससे कि जुड़ाई करने पर आसानी नहीं होता।
अब हम यहाँ पर बीच का ईंट भी लगा दिए हैं सामने का, और राइट साइड का भी ईंट लगा दिए दोस्तों। ये हमारा अब चौड़ाई कंप्लीट होने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा चौड़ाई कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें प्लास्टर की तैयारी करेंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब इसमें प्लास्टर में थोड़ा सा डिजाइन करते हैं सिंपल सा। इसमें डिजाइन करने के लिए पहले फंटी को यहाँ पर रख लेंगे और मसाला डालकर एक छोटा सा लेयर तैयार करेंगे 2 इंच का सभी तरफ से। आप ऐसे फंटी रूसा को रखकर ऐसे 2 इंच का लेयर पहले तैयार कर लीजिए, फिर इसमें हमें डिजाइन काटना है। के बाद फिर बराबर नाप कर मैंने यहाँ पर खड़ी खड़ी लकीर खींच लिया है और सामने के हिस्से को थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से पंखुड़ी आएगा इसका, और बीच के हिस्से वाले डिजाइन को थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने। अब जैसे हमने सामने के हिस्से में काटा था वैसे ही राइट साइड में भी ऐसे काट लेंगे बराबर से नापी करके। उसके बाद फिर फंटी वहां पर रखकर जहाँ पर भी एक एक डिजाइन दिया उसको थोड़ा नुकीला कर लेंगे।